अलादीन और जादुई चिराग। बहुत साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक हुकूमत थी। वहाँ एक गरीब दर्जी रहता था जिसके बेटे का नाम था अलादीन। वो दिन भर बाजार में अपने अबू नाम के बंदर के साथ खेलता रहता था। बदकिस्मती से जब वो 16 साल का हुआ तब उसके पिताजी गुजर गए। माँ, अब मैं दुकान संभालूंगा और पैसे कमाऊंगा, चिंता मत करो। इस तरह अलादीन ने अपने पिता के दुकान में काम करना शुरू किया। एक दिन एक अजनबी उसके दुकान में आया। सलाम बेटे अलादीन, मुझे तुम्हारे पिता के मौत की खबर मिली। उस वक्त मैं काम से बाहर गया था। मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, आप कौन हैं? मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं बहुत सालों पहले शहर छोड़कर दूर चला गया था। ओह चाचा जी, पिताजी ने आपके बारे में बताया था। मैं आज तुम्हें एक खुफिया जगह ले जाने आया हूँ, एक गुप्त खजाना। मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। खजाना? ठीक है, चलो चलते हैं। अलादीन उसके ऊंट पर बैठ गया और वो सफर पर निकल पड़े। उन्होंने रेगिस्तान में 4 दिन सफर किया। आखिरकार वो लोग 2 पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली घाटी में पहुँच गए। हम पहुँच गए हैं, आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। आग जलते ही उस जादूगर ने आग में कुछ फेंका और तेजी से जादुई मंत्र पढ़ने लगा। तभी भूकंप आया, जमीन फटने लगी और जमीन के अंदर से संगमरमर का पत्थर ऊपर आया जिस पर अंगूठी लगी हुई थी। ओ, बाप रे, ये क्या हो रहा है चाचा जान? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस पत्थर के नीचे वो खजाना छुपा है जो तुम्हारा हो सकता है अगर तुम वही करोगे जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। पहले ये अंगूठी पहन लो। अलादीन ने अंगूठी पहन ली। पत्थर जगह से हटने लगा और पत्थर के नीचे अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। ये सीढ़ियाँ खत्म होते ही तुम्हें फलों से भरा बागीचा दिखेगा। वहाँ से बिना कुछ छुए आगे बढ़ते रहो वरना तुम मारे जाओगे। तब तक चलते रहो जब तक उस जगह ना पहुँचो जहाँ एक जलता हुआ चिराग दिखे। उसमें भरा हुआ तेल निकाल दो और वो दिया मेरे पास ले आओ। ये अंगूठी हर खतरे से तुम्हारी रक्षा करेगी। अलादीन संभल कर सोने की दीवारों को बिना छुए सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगा। सीढ़ियाँ खत्म होते ही उसे फलों से लदा हुआ बगीचा दिखा। ये फल कितने लजीज लग रहे हैं। अलादीन को भूख लगी थी, वो फल तोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन उसने सेब तोड़ते ही वो माणिक में बदल गया। अरे वाह। फिर उसने अंगूर तोड़े, वो मोतियों में बदल गए। अलादीन ने जितने हो सके उतने फल अपने साथ ले लिए। जल्द ही उसे वो जलता चिराग दिख गया। उसने चिराग का तेल निकाल दिया और उसे फलों के ऊपर रख दिया। फिर अलादीन सीढ़ियों के पास पहुंचा जहां उसका जादूगर चाचा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जल्दी करो, वो चिराग मुझे दे दो बच्चे। मेरे पास बहुत सामान है, मेरी मदद करने के लिए नीचे आइए। सुनो बेवकूफ लड़के, या तो मुझे वो चिराग दे दो नहीं तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। फिर गुस्सा होकर जादूगर ने कोई जादुई मंत्र बोले और पत्थर से दरवाजा बंद हो गया। अलादीन वही नीचे गुफा में फंस गया। चचा जान, चचा जान, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। चचा जान, मुझे उनका यकीन करना ही नहीं चाहिए था। अलादीन वही बैठकर कई दिनों तक रोता रहा कि कोई आकर उसे बचाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। ओह, कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है, कोई तो मेरी मदद करो। अपनी इच्छा बोलकर अलादीन ने अपनी अंगूठी को छू लिया और पलक झपकते ही वो अपने घर पहुँच गया। तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे अलादीन? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अलादीन ने माँ से पूरी कहानी बताई और अपने साथ लाया हुआ खजाना दिखाया। ये चिराग तो बहुत पुराना है। उसने चिराग साफ करने के लिए घिसा और फिर अचानक चिराग से बहुत बड़ा जिन बाहर आया। कहो मोहतरमा, अपनी इच्छा बताओ, मैं हूँ तुम्हारा गुलाम। अलादीन और उसकी माँ दंग रह गए।
माँ ने जिन को दावत देने के लिए कहा, क्योंकि उन दोनों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। तुरंत जिन ने खाने के मेज पर 12 चांदी की थालियाँ सजा दी। फिर एक एक थाली में एक एक लजीज पकवान परोसने लगा, जिसमें लज्जतदार खाने और मिठाइयाँ भी शामिल थी। अलादीन और उसकी माँ ने पेट भर कर खाना खाया। माँ ने बाजार में थालियाँ बेच दी और उनसे रोज की जरूरत की चीजें खरीद ली। एक दिन अलादीन बाजार में अबू के साथ घूम रहा था, तभी उसने एक ऐलान सुना। अपनी दुकानें बंद करो, रास्ते से हट जाओ। जो कोई भी राजकुमारी की तरफ देखेगा उसे सजा मिलेगी। राजकुमारी? मैंने उसे कभी नहीं देखा। आज कुछ भी करके मैं उसे देख कर रहूंगा। अलादीन वहाँ रखे पीपों के पीछे छुप गया और तभी राजकुमारी पालकी में वहाँ से गुजरी। वो पर्दे से बाहर देख रही थी। अलादीन उसकी खूबसूरती का दीवाना बन गया। वाह, ये मैंने देखी हुई इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। मैं इसी से शादी करूँगा। वो भागकर घर गया और उसने माँ को राजकुमारी के बारे में बताया। राजकुमारी से शादी करने के बारे में सोचना भी मत। सुल्तान को पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुझे वो भी मंजूर है। तुम अभी इसी वक्त महल जाओ और राजकुमारी का हाथ मांगो। तोहफे के तौर पर कुछ हीरे साथ ले जाना। माँ ने कुछ हीरे जवाहरात लिए और उन्हें मलमल के कपड़े में लपेटा और वो सुल्तान के दरबार में पहुँच गयी। सुल्तान के सिपाहियों ने उसे रोका, लेकिन सुल्तान जानना चाहते थे कि वो कपड़े में क्या लाई है। उसे अंदर आने दो। आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान। मैं राजकुमारी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई हूँ। मेरा बेटा राजकुमारी से प्यार करने लगा है। तुम्हारे बेटे जैसे गरीब इंसान के साथ शादी कराना मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी सजा होगी। और तुम इस मलमल के कपड़े में हमारे लिए क्या लाई हो? उसने वो कपड़ा खोला और फलों के आकार के वो हीरे सुल्तान को दिखाए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने खूबसूरत हीरे नहीं देखे। मैं खुश हो गया। लेकिन तुम्हारे प्रस्ताव का स्वीकार करने से पहले तुम्हारे बेटे को खुद को साबित करना होगा। उसे कहो 40 थाली भरकर यही हीरे जवाहरात लेकर आए। सबसे महंगे कपड़े पहने हुए 2 गुलाम हर एक थाली लेकर आए। जरूर सुल्तान। माँ घर आई और उसने अलादीन को सुल्तान की शर्त बताई। चिंता मत करो। अलादीन ने चिराग घिसा और उसने जिन को सुल्तान की शर्त बताई। जिन ने हीरे जवाहरातों के साथ गुलाम हाजिर किए। ये सुल्तान के पास ले जाओ, इस बार वो जरूर खुश होगा। अलादीन की माँ नजराना लेकर शाही महल में तुरंत पहुँची। तुमने मुझे फिर से खुश किया। लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के लिए आलीशान महल बनाना चाहिए। माँ ने घर आकर अलादीन से सुल्तान की दूसरी शर्त बताई। अलादीन ने फिर से चिराग घिसा और जिन को अपनी इच्छा बताई। जिन ने रातों रात शाही महल बनाया, जो कि सुल्तान की खिड़की से दिखाई देता था। जिन ने अलादीन के महल से सुल्तान के महल तक एक लंबी कालीन बिछाई। बहुत अच्छे जीनी, अब मुझे शाही कपड़े दे दो और एक सुंदर सा घोड़ा भी दे दो। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। जिन ने अलादीन को शाही कपड़े पहनाए। अलादीन सुंदर सफेद घोड़े पर सवार होकर सुल्तान के महल की तरफ चल पड़ा। क्या बात है नौजवान, तुमने अपने आप को साबित कर दिया। अब तुम मेरी बेटी के लायक हो। तुम दोनों की शादी होगी। शादी की तैयारियां करो। अलादीन और राजकुमारी की धूमधाम से शादी हो गई। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इस शादी की वजह से अलादीन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जादूगर को भी इस शादी और अलादीन की अमीरी के बारे में खबर हो गई थी। ये लड़का गुफा से भाग कैसे सकता है? इसने जरूर चिराग चुराया होगा और दौलत कमाई होगी। मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगा। चिराग बेचने वाले का भेस बदल कर अलादीन के महल की तरफ चल पड़ा। लेकिन जिस वक्त जादूगर अलादीन के महल पहुँचा, तब अलादीन महल में मौजूद नहीं था। ले लो भाई, ले लो, नए चिराग ले लो और पुराने लौटा दो। अलादीन बहुत खुश हो जाएगा जब मैं उसे नया चिराग दूंगी। वो काफी वक्त से पुराना चिराग इस्तेमाल कर रहा है। राजकुमारी ने नए चिराग के बदले में पुराना चिराग दे दिया।
जादूगर ने तुरंत चिराग घिसा और जिन हाजिर हुआ। बोलिए क्या हुक्म है मेरे आका? चिराग के मालिक आप और मैं हूँ आपका गुलाम। इस राजमहल को राजकुमारी के साथ उठाकर दूर दराज रेगिस्तान में ले जाओ, जहाँ इन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। और एक ही झटके में शाही महल गायब हो गया। जब सुल्तान ने खिड़की से देखा तो वो हैरान रह गया। अलादीन का महल गायब हो चुका था। उसने अलादीन को महल आने का हुक्म दिया। तुम्हारी जादू की वजह से मैं अपनी बेटी खो चुका हूँ। 4 दिनों के अंदर मेरी बेटी ले आओ, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ। अलादीन 3 दिनों तक पूरे राज्य में घूमता रहा, लेकिन उसे राजकुमारी कहीं नहीं मिली। मुझे अंगूठी की मदद लेनी होगी, जिसके सहारे मैं राजकुमारी को ढूंढ सकता हूँ। तभी अचानक उसने अपने आप को अपने महल के पास पाया। वो एक बड़ा सा रेगिस्तान था और उसके बीचों बीच उसका महल था। उसने एक खिड़की से झांक के देखा तो राजकुमारी एक कमरे में थी। वो एक दूसरे के गले लगे और रोने लगे। राजकुमारी ने उसे पूरी कहानी बताई। चिंता मत करो, मैं जानता हूँ यहाँ से कैसे निकलना है। मुझे अपना चिराग भी पाना है। अलादीन राजकुमारी के कान में कुछ फुसफुसाया और उसे एक बोतल दे दी। उस बोतल में जो दवाई थी उससे जादूगर बेहोश हो जाएगा। अलादीन नजर रखने के लिए पर्दे के पीछे छिप गया। जादूगर महल में आ गया। ओ मेरे प्यारे मुस्तफा, मैंने आज तुम्हारे लिए शाही शरबत बनाया है, पीकर देखो ना। मेरी प्यारी रानी, मैं तो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लाओ शरबत दो। अगर ये जहर भी होता तो मैं इसे मजे से पी लेता। राजकुमारी ने शाही शरबत के साथ वो दवाई मिला दी और जादूगर को वो शाही शरबत पीने दिया। यह मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? जादूगर की आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश होकर मेज पर गिर पड़ा। अलादीन ने तुरंत बाहर आकर जादूगर की जेब से चिराग निकाल लिया। बोलो बोलो आका, क्या हुक्म है? चिराग के मालिक आप, मैं आपका गुलाम। हमें राजमहल के साथ सुल्तान के पास ले चलो और इस क्रूर जादूगर को कहीं रेगिस्तान में छोड़ आओ, ताकि वो फिर कभी वापस लौट कर ना आने पाए। जिन ने अलादीन की इच्छा पूरी की और राजमहल अपनी जगह वापस आ गया। अलादीन की बहादुरी देखकर सुल्तान ने अपना ताज उसे दे दिया। अलादीन की ताजपोशी पर एक शाही जश्न मनाया गया और हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं।